हाई एंड हेलो एवरीवान वेलकम टू स्प्रिंट यू पी एस सी सो वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड एंड वी आर ऑन चैप्टर फिफ्टीन वेर एंड विच वी आर डिस्कसिंग द अर्ली मेडिबल इंडिया तो यहाँ से हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फिफ्टीन अर्ली मेडिबल इंडिया तो पहले आप देख लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं तो हम पहले देखिए अर्ली मेडिबल हम यहाँ से आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा एंशंट पीरियड ख़त्म हो चुका है नाउ हम हिस्ट्री के दूसरे पार्ट यानी कि मेडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे मेडिवल इंडिया का भी थोड़ा अर्ली फेज़ है जहाँ पे बहुत से किंगडम्स थे और किस तरह से सारा जो मेडिवल इंडिया का में मे जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया दैट इज दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्ली टाइम्स राइट सो इस सेशन में हम वही पढ़ेंगे देख लीजिए क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं राजपूत किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे अरब ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था सिंध में 1712 में ए डी में वो हम पढ़ेंगे मोहम्मद ऑफ़ गजनी एंड हिज इन्वेजन मोहम्मद ऑफ गजनी का पूरा कार्यकाल मोहम्मद गौरी बैटल ऑफ तराइन एंड कॉजेज एंड द फेलियर ऑफ हिंदू किंगडम्स कि कैसे आपके अरब कॉन्क्वेस्ट होने के बाद हमारे यहाँ पहले हिंदू किंगडम्स एग्जिस्ट कर रहे थे बट ये जो इस्लामिक स्टेट्स हैं इस्लामिक किंगडम्स हैं वो कैसे आए कॉन्क्वेस्ट कैसे किया और हमारे यहाँ क्यों बाई वी फील्ड ओके सो ये सब हम डिस्कस करेंगे सो so, देखिए अभी चल रहे थे का, इसके पहले तक चल रहे थे हर्षा, यानी कि हर्षवर्धन का टाइम चल रहा था चल रहा था कि नहीं चल रहा था बट हर्षवर्धन के बाद जिस तरह की पॉलिटिकल यूनिटी हर्षवर्धन लेकर आए थे उस तरह की पॉलिटिकल यूनिटी भारत में नहीं थी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में नहीं थी ठीक है फॉर फॉर द मोस्ट ऑफ फाइव सेंचुरीज और फिर उसके बाद ये जो पूरा रीजन था वो बहुत से मल्टीपल स्टेट्स में स्प्लिट हो गया था और वो आपस में ही लड़ रहे थे है ना अपने आपस में ही लड़ रहे थे द इम्पॉर्टेंट किंगडम्स इन द नॉर्थ इंडिया दैट टाइम दे वॉर काश्मीर गांधार सिंध गुजरात कन्नौज अजमेर मालवा बंगाल असम मोस्ट ऑफ द रीजन्स फिर अर्ली एट सेंचुरी में कश्मीर बहुत ज़्यादा dominant बन गया फिर पालास जो थे बंगाल में उन्होंने सुप्रीम पावर्स जो है ऑक्यूपाई कर ली फिर आ गए प्रतिहारास है ना तो प्रतिहारास फिर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए आपके नॉर्थ इंडिया में बट टेंथ सेंचुरी में राष्ट्रकूटाज जो है जो कि डेक्कन में थे उन्होंने अपने पावर सोचा कि हम चलो नॉर्थ इंडिया तक चलते हैं बट अल्टीमेटली दे फेल्ड ओके okay, तो इस तरह से क्या कर रहे थे आपस में ही लड़ रहे थे फिर अब हम समझते हैं राजपूत किंगडम्स के बारे में आपने अब तक बहुत सुना होगा बहुत से मूवीज़ देखी होंगी इनके बारे में तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं देखिए इनका जो डोमिनेंस था वो सेवन्थ से एट सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ और फिर जब तक मुस्लिम्स नहीं आ गए यानी कि ट्वेल्थ सेंचुरी में जब मुस्लिम्स आए थे यानी कि अरब कॉन्क्वेस्ट हुए थे तब तक इनका डोमिनेंस चलता रहा इवन आफ्टर दैट आल्सो सम ऑफ द राजपूत स्टेट्स दे सरवाइव टिल द यू विल सी ऑल्सो अगर आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे ना तो ब्रिटिशर्स के टाइम तक भी कुछ राजपूत किंगडम्स जो थे वो थे ओके बट डोमिनेंस इनका ख़त्म हो चुका था इन द पीरियड ऑफ मुस्लिम अग्रेशन राजपूत देवर मेन डिफेंडर्स ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक टसल आपका शुरू हो चुका था दो रिलिजन के बेसिस पे बहुत से थ्योरीज भी लाइक देर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत एंड कुछ बोलते हैं कि ये डिसेंडेंट्स हैं क्षत्रिया के एंड कुछ बोलते हैं दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स तो बहुत सी थ्योरीज हैं एंड uh, बोलते हैं कि जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं देवर इंडियनाइज्ड एंड उन्होंने इंडियन सोसाइटी को एब्जॉर्व कर लिया बहुत से लेजेंड्स हैं राजपूत के वो इस थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं सो देर आफ्टर इट्स इट कैन बी सेट दैट डाइवर्स एलिमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू देप शेपिंग ऑफ द राजपूत क्लैंड तो दैट इज दैर फिर बोला जाता है किसी सिंस दे फॉरन इन्वेडर्स तो फिर यहाँ पर आकर इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने आप को इंडनाइज कर लिया एंड दे become होमोजीनियस by कॉन्स्टेंट इंटर मैरिज एज वेल एज by अडोप्टिंग वेरी कॉमन कस्टम्स तो यहाँ की चीजें बहुत ज्यादा अडॉप्ट करी फिर उसके बाद उन्होंने दे मेड वॉर एज अ चीफ ऑक्यूपेशन तभी इनको अपना जो वो बोलते हैं ना ऑक्यूपेशन वो बोलते हैं कि वो क्षत्रियस थे है ना बट एवर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम अरब ट्रैवलर्स इनको बोलते इनकी प्रॉस्पेरिटीज़ के बारे में बताते हैं इनके वक्त पे जो लैंड हुआ करते थे ग्रेट ट्रेड सिटीज थी है ना जो इन्होंने एक और अच्छा फीचर मिलता है राजपूत किंगडम्स का दैट इज़ फोर्ट्स आप भारत में जो भी आप हिस्टोरिकल साइट्स देखने जाएंगे आपको फोर्ट्स बहुत मिलेंगे जो कि राजपूत किंगडम्स ने स्पेशली बना के रखे हुए थे फिर गुर्जर प्रतिहार So, जो गुर्जर प्रतिहार्स थे वो सबसे अर्लीस्ट राजपूत रूलर्स थे एंड इट्स फर्स्ट ग्रेट लीडर वॉज हरीश चंद्र हरीश चंद्र के बारे में आपने सुना होगा तो पहले ग्रेट लीडर आपके गुर्जर प्रतिहार या फिर राजपूत डायनेस्टी से आप मान सकते हैं या फिर राजपूत किंगडम से आप मान सकते हैं इट इज़ एंड ही वॉज हरीश चंद्र उन्होंने बहुत से राजपूताना जो टेरिटरी थी अपनी वो एक्सपैंड करी आ, इनकी कैपिटल हुआ करती थी भीनमाल गुजरात दे वर इन डिफरेंट ब्रांचेस उनकी एक ब्रांच थी गुजरात में थी और दूसरी अवंती में थी सो so, जो प्रतिहार्स हैं दे इन्वॉल्व दम सेल्फ इन अ थ्री कॉर्नर कंटेस्ट विद पालाज ऑफ बंगाल एंड राष्ट्रकूटाज ऑफ डेक्कन लेटर प्रतिहार वीक बन गए फिर चौहान बहुत ही अच्छा एक राजपूत रेसेस का वैलेंट क्लान बन गया और उन्होंने अजमेर वाला जो रीजन है प्रेजेंट आपको राजस्थान में मिल जाएगा वहाँ पर जो है रूल करना स्टार्ट किया ना चौहान में विग्रहराज वाज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग जिन्होंने दिल्ली ऑक्यूपाई करी हुई थी इसी वजह से आपको ये देखने मिला कि चौहान के वक्त पे मुस्लिम कंटेस्ट हुआ किसका मोहम्मद गौरी का ठीक है क्योंकि उसने दिल्ली ही पहले आके जो है वो टारगेट किया था और यहाँ पे आपको ये देखने मिल जाएगा परमार्स भी एक इम्पॉर्टेंट राजपूत हैं है ना इस पीरियड के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग इनका थे भोज ठीक है तो आप uh, भोज परमार के नाम से भी इनको जाना जाता है इनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कॉन्क्वेस्ट बहुत ही अच्छा था स्पेशली कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नोटेबल है नोटेबल है किसका भोजा का इन द राजपूत हिस्ट्री फिर ये राजपूत किंगडम डिक्लाइन कैसे हुए क्योंकि आपस में लड़ रहे थे दे वॉज़ अ कॉन्सटेंट फाइटिंग ऑल्सो दे नेवर गेन द यूनिटी ओके तो अपना एक कॉमन एनिमी ना वो नहीं बना पाए इस वजह से भी अकेले अकेले लड़ रहे थे कॉमन एनिमी बना के एक साथ बैठ के लड़ते तो शायद आज केस कुछ और होता फिर उसके बाद इनका देर वॉज अ लेक ऑफ पोलिटिकल फोर्स साइड है ना एंड देर कॉन्सटेंट राइवलरीज दैट प्रिवेंटेड एनी कम्बाइंड अपोजिशन टू मुस्लिम इन्वेडर्स एट दैट टाइम Now talking about the Arab conquest of Sind, 1712 AD. So the religion Islam, वो कहाँ पर आपको जो है born किया, वो मक्का में किया, Arabia में जो situated है। Founder थे Prophet Muhammad, okay? But इनकी teachings ने क्या किया? जो मक्का में wealthy people रह रहे थे, उनको इनका enemy बना दिया। इसकी वजह से इनको migrate करना पड़ा Medina में in 622 AD. विच वॉज द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मुस्लिम कैलेंडर एंड मुस्लिम एरा दैट इज हिजरा तो दैट इज़ हाउ यू विल सी यूसिना मक्का मैडीना की बात की जाती है तो यहाँ से द बिगनिंग इज़ आफ्टर एट ईयर्स वो मक्का वापस आए अपने फॉलोअर्स के साथ डाइड एट इन सिक्स थर्टी टू ए डी फॉलोअर्स जो मोहम्मद के थे देटअप एंड एम्पायर जिसको बोला जाता है ख्यालीफेट या फिर खलीफा द एंड उमयात्स दे आर कॉल्ड खलीफ्स या फिर खलीफ फिर ये खलीफ बन गए तो फिर ये क्या करना शुरू कर दिए एक्सपैंड करना शुरू करें कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करें और अपना रिलीजन जो है इस्लाम को स्प्रेड करना स्टार्ट किया 1712 टवेल्व में मोहम्मद बिल कासिम उन्होंने सिंध का जो रीज़न है वो कॉन्क्वेस्ट किया तो हाईलाइट कहाँ पे क्या है कि सिंध को कॉन्क्वेस्ट किसने किया था तो इट वॉज इट वॉज लाइक द सिंध वॉज कंटेस्टेड बायमदिन काम ओके ये कौन था ये कमांडर था उमयाद किंगडम का ओके कासिम ने दाहिर को डिफीट किया जो कि रूलर था सिंध का सिंध का उस वक्त रूलर था दाहिर उसको डिफीट किया कासिम ने और ही और फिर उसके बाद बैटल भी जीती उसकी जो कैपिटल थी यानी कि सिंध की कैपिटल अरोर इसको कैप्चर कर लिया फिर क्या किया इसने बोला कि यार चलो और एक्सटेंड करते हैं फिर फर्दर मुल्तान तक आ गया मुल्तान तक आ गया फिर उसके बाद जब सिंध अपने आप कंट्रोल में आ गया था वहां का सिस्टम ऑर्गेनाइज करने लगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करने लगे जो लोग थे सिंध के उनको एक स्टेटस मिल गया द स्टेटस ऑफ जिम्मीज ओके जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स तो उनको एज ऑब्जेक्ट एज अ ज़िम्मी अपना पेरेंट स्टेट का एक प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे उनको समझने लगे देयर वॉज नो इंटरफेरेंस इन द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस पीपल्स सोन कासिम वॉज रिकॉल्ड एज द कैलिफ एज वेल फिर उसके बाद जो सिंध वाला रीजन है वो अरब के कंट्रोल में चलने लगा उस वक्त पे क्या था इंडिया वाले रीजन में मेन नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में प्रतिहार किंगडम्स चल रहे थे और प्रतिहार्स काफ़ी स्ट्रांग भी थे इसी वजह से क्या है वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में वो एक्सपेंड नहीं कर पाए ऑल्दो द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध डिड नॉट लीड टू फर्दर कंक्वेस्ट इमीजिएटली इट हैड रिजल्टड इन डिफ्यूजन ऑफ इंडियन कल्चर एब्रॉड एज वेल बहुत से अरब ट्रैवलर सिंध वाले रीजन में ट्रैवल किए medicine, astronomy, they were carried to far off lands through the Arabs, Indian numerals uh, jo ki in the Arabic form, they went to Europe through them. So cultural transformation, transmission, transportation, you can call it. Uh, since Sindh was a part of Arab Empire, the inflow of indul, the inflow of Indian knowledge was very, very great. So this is about the Rajput kingdoms or Arab conquest of Sindh region. अब हम इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर थिंग्स मोहम्मद गजनी उनका इन्वेशन फिर उन्होंने किस तरह से रूल किया गौरी द बैटल ऑफ द राय काज अफ द फेलियर ऑफ द हिंदू किंगडम सो एवरी थिंग विल भी डिस्कस्ड द अपकमिंग सेशन स्टे यून फॉर दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स

देखे से बुक पढ़ने से वो वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रेंट यू पी एस सी इसके लिए परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच